वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है या ईरान, अफगानिस्तान, सबके साथ टर्म्स अच्छे होने चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि हम यही देखते हैं कि एक बार फिर DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो इंडिया को तड़ियां लगाते हुए या धमकियां देते हुए नजर आते हैं। तो सर, आखिर ये लोग भारत के साथ टर्म्स को बेहतर क्यों नहीं करते, जबकि ये चीज हमारे ही फायदे में है? देखिए, एक अजीब किस्म का एक विशस एक ट्रैप है जिसके अंदर हम फंस चुके हैं। और जो भी कोई इंडिया से दोस्ती की बात करे, उसको कहा जाता है कि ये मोदी का यार है, उसको कहा जाता है ये गद्दार है, उसको कहा जाता है कि ये इस मुल्क का वफादार नहीं है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी यही बात करते रहे हैं, करते हैं। हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट है, खसूसन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, वो भी ये समझते हैं कि उनका फरीजा है कि सबसे पहले उन्होंने दुश्मनी ही की बात करनी है। तो ये तो एक हमारे यहाँ एक ट्रेंड या एक एटीट्यूड डेवलप हो चुका है। अच्छा, अब मेरा ख्याल ये है कि जब आप भारत दुश्मनी की बात करते हैं तो एक तरीके से इनडायरेक्टली आप अपनी हुबुल वतनी साबित कर रहे होते हैं कि जनाब हम चूंकि इंडिया के दुश्मन हैं और इसलिए आप हमें मुहब्बे वतन समझें। और वो लोग जो कि इंडिया के साथ दोस्ती की बात करते हैं, उनको एक बड़े एक नेगेटिव एक अंदाज में पेश किया जाता है। तो बेसिकली ये सब जो है, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये बातें की जाती हैं, लोगों को बताने के लिए जी कि हम मुहिब्बे वतन हैं, लिहाजा हम भारत दुश्मनी की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अब जो दौर है उसमें आप अपनी जो रीजनल कंट्रीज हैं, जो आपके बॉर्डर्स जिनके साथ लगते हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ दुश्मनी रख के आप कभी भी प्रोग्रेस कर नहीं सकते। आप देखिए यूरोप में क्या ट्रेंड चल रहा है कि अब तो आपको ये भी पता नहीं चलता कि एक मुल्क का बॉर्डर कहाँ खत्म हुआ और दूसरे मुल्क का बॉर्डर कहाँ से शुरू हुआ। और उनमें इतनी ट्रेड एंड कॉमर्स में इतनी कॉपरेशन हो रही है, इतना वो आपस में इनकी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क में वो आ जा रही हैं। अभी हम जो इस प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि किताबें तक नहीं आ सकती, रिसाले, अखबार, जो ऑनलाइन मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो सब इन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं। यानी मतलब आप कहीं पे भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप वो चीजें जो आपके फायदे में हैं, जो आपके मुल्क के लोगों के फायदे में हैं, उनको आप ब्लॉक कर दें। तो बस बेसिकली ये एक एक फैशन बन गया है कि एनमिटी की बात की जाए, लोगों को एक दूसरे से जुदा रखा जाए और उनको वही चीज फीड की जाए जो के स्टेटस को मेंटेन रखती है। तो सब्सटेंस तो कोई नहीं होता इन बातों में, लेकिन ये बातें फिर भी की जाती हैं। और मालूम नहीं कब इन लोगों को समझ आएगी कि यार इन बातों का कोई फायदा नहीं है, हमने आगे जाना है, हमने इकोनॉमिक फील्ड में तरक्की करनी है, ट्रेड एंड कॉमर्स को हमने बढ़ावा देना है। इंडिया और चाइना का ही आप देख लें कि उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनके बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन इसके बावजूद $120 बिलियन की तिजारत हो रही है। और इसी तरह देख लें बांग्लादेश के इश्यूज हैं इंडिया के साथ, लेकिन वहां पे भी आप देख लें कि वो इतनी क्लोज कोऑपरेशन होती है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो ये सब बिल्कुल कुछ ऐसा जो है है। जी। सर, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि इंडिया की जिस तरह से इकोनॉमी आगे जा रही है, फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी उनकी जैसे चल रही है, तो हमें तो उल्टा उनसे सीखना चाहिए। हम अभी तक जो है, आपने देखा लास्ट टाइम भी जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें उन्होंने जो है उनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी गलत जबान इस्तेमाल की और
फॉरेन मिनिस्टर के बारे में भी, लेकिन इसके बावजूद अभी वो SCO की मीटिंग में जा रहे हैं, तो आपके ख्याल से उनको किस तरह का बिहेव करना चाहिए और क्या बात कुछ आगे बढ़ेगी? वैसे सुनने में तो यही आ रहा है कि वहां की लीडरशिप के साथ इनकी कोई मीटिंग नहीं है, मगर फिर भी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो, ट्रेड ओपन हो। कब तक ये मुल्क को लोन मांग मांग के चलाते रहेंगे? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये अभी जा रहे हैं वहां पे और अब आई डोंट नो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये जो अभी विजिट है SCO का, तो लेकिन पर्सनली मैं समझता हूं कि जहां तक हमारी इंडिया पॉलिसी का ताल्लुक है, तो इसमें इसमें मेरा ख्याल है कि कोई खास डेवलपमेंट के चांसेस मुझे नजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये जो हमारी पॉलिसी है इसको कुछ और लोग तश्कील देते हैं। फॉरेन मिनिस्टर का तो बड़ा एक रोल, एक कह लें कि एक वाजिबी सा रोल होता है इसमें। वो स्क्रीन पे फॉरेन मिनिस्टर होता है लेकिन पॉलिसीज कुछ और लोग बनाते हैं, और जब तक उन लोगों में ये रियलाइजेशन नहीं आएगी कि हमने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं और यही हमारे फायदे में है। अगर यही ले लें कि 130 करोड़ लोगों की वो मार्केट है जो हमें दस्तयाब होगी, पहली बात, और दूसरा आप ये देख लें कि अगर हम ये जो राहदारी देते हैं उनको और वो इंडिया ट्रेड शुरू करता है, उसको एक पैसेज वे मिल जाता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक, अफगानिस्तान तक, तो उस पे जो हम टैरिफ कलेक्ट करेंगे यानी जो उस पे हमें रेवेन्यू मिलेगा, वो ही आप सोचें कि यानी एक अंदाजे के मुताबिक $30 बिलियन पर एनम है, तो ये चीजें तो हमारे फायदे में जाती हैं, हमें कोई नुकसान नहीं है। आप देखें हमारा हमारी हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारा हमारी पास्ट हेरिटेज, हर चीज कॉमन है। हमारे जो हेल्थ इश्यूज हैं वहां भी वही हेल्थ इश्यूज हैं, हमारे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हमारे हाउसिंग के मसाइल हैं, हमारे पानी के मसाइल हैं, वो सारे कॉमन हैं। हमारे इश्यूज इंडिया के साथ सांझे हैं, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं हम कॉपरेट करते? और हमने एक ऐसे मसले को लेके हम वक्त जाया करते रहे हैं और एनर्जी जाया करते रहे हैं, पैसा हम बर्बाद करते रहे हैं, जिसका आज 75 साल के बाद हमें कोई उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। तो हमें जरूरत क्या है कि हम एक एक ऐसे इशू को, एक नॉन इशू को हमने इशू बनाया हुआ है और इंडिया के साथ हमने खामखा एक ताल्लुकात खराब किए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पर्सनली मैं समझता हूँ एक और चीज भी कि कुछ अब रियलाइजेशन जो है ना वो उन हलकों में भी पैदा होना शुरू हो गई है। वो स्क्रीन पे आके तो ये बात नहीं करेंगे। अब अगर फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है या जा रही है, हमारी एक खातून जा रही है या बिलावल साहब, बिलावल तो नहीं, मेरा ख्याल इरफान रब्बानी खर जा रही हैं, सर, बिलावल जा रहे तो हैं बिलावल जा रहे हैं, ओके, जी। तो वो बिलावल जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो उन हलकों की आशीर्वाद हासिल है उन्हें, इसीलिए वो जा रहे हैं। अदरवाइज अगर वो कहते हैं कि नहीं जाना तो फिर ना जाते वो। और दूसरा, फिर इन लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती, आप वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करें। अब ये कहना जी बचर ऑफ गुजरात, यार ये कहाँ की जुबान है? ये आप एक ऐसे लीडर के बारे में, यानी 1 अरब 30 करोड़ लोगों का जो लीडर है उसके बारे में आप ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप वहां जाएंगे और इन केस आपका सामना होगा तो आपको खुद ही शर्म आएगी यार कि मैंने क्या जुबान इस्तेमाल की थी। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए इसमें। जी बिल्कुल जी सर, आज क्योंकि सर उनके सीनियर भी हैं एक तरह से, चाहे वो
प्राइम मिनिस्टर मोदी हो चाहे डॉक्टर जयशंकर हो, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ डॉक्टर जयशंकर की। तो मैं तो कई बार कह भी चुकी हूँ कि इंडिया को चाहिए कुछ टाइम के लिए अपना फॉरेन मिनिस्टर हमें दे दें, शायद हम भी कुछ संभल जाएं। बाकी जो चीज आप कह रहे थे सर कि एक जैसे लोग हैं और एक जैसी बात है, तो जाहिर है सर भारत को तोड़ के ही तो पाकिस्तान बनाया है इन्होंने, तो वहां से उसी तरह के लोग हैं ना जैसे वहां पर मौजूद है। मगर सर बात सारी ये होती है कि इस वक्त इंडिया की, चाहे आप इकोनॉमी को देख लें, चाहे एजुकेशन सिस्टम को देख लें, या कुछ भी, वो बहुत आगे की तरफ वो लोग जा रहे हैं। SCO की मीटिंग्स हो रही हैं, G20 को वो लीड कर रहा है। तो ऐसे में यहां से जब DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो बजाय कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाने के, कोई ऐसी बात करने के जिससे के मामलात बेहतर हो, और उल्टा ये कहते हैं कि जी जंग को हम भारत के दरवाजे तक ले जाएंगे या घर तक ले जाएंगे। इसकी क्या वजह लगती है? क्या ये कि इनकी दुकानें क्योंकि थोड़ी ठंडी पड़ गई हैं, जो ये डिफेंस बजट के नाम पर और डिफेंस और DHA और ये सब कुछ बनते हैं इनके, तो क्या उसमें कोई उनको लग रहा है कि पैसा नहीं मिल रहा, या लोग जो अब एकदम से पहले भी कहा करते थे, लेकिन अब इमरान खान ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि खुल्लम खुल्ला जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट और उनका नाम लेके इमरान खान बोला करते हैं, तो अब एक आम आदमी, आम सिटीजन भी अगर कोई सड़क चलता हुआ है, वो कहता है कि जी मुल्क का ये हाल जो है ना ये एजेंसीज ने किया है। तो क्या ये वजह है इनकी घबराहट की, या किस लिए ऐसी बात कर रहे हैं? देखिए जी, बहुत सी वजूहत हैं। एक तो वो जो पहले हमने बात की कि वो अपनी अपनी अपना एक पैट्रियटिज्म जो है वो साबित करना, पहली बात। दूसरा एक एक पब्लिक कंजम्पशन के, यार हमारी पॉलिसी वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई और हम अपने असूली मौकफ, वो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में, उसके ऊपर कायम है, और इंडिया को हम किसी किस्म की कोई रियायत और नरमी देने को तैयार नहीं है जब तक के कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। तो ये इस किस्म की बातें जो हैं ये की जाती हैं। और तीसरा ये भी है कि अपनी अहमियत का एहसास दिलाना कि जनाब वो तो जी अगर हम नहीं होंगे तो फिर वो अटैक हो जाएगा, और वो तो जी इंटिमिडेट कर रहे हैं हमें, और हम हमारे ऊपर जारहाना अजायम रखते हैं, इस किस्म की बातें, ताकि ये है कि हमारी अहमियत बढ़े। और फिर अभी बजट भी आने वाला है, तो बजट से पहले इस किस्म की बातें आप देखें, कई साल पहले आप देखें, कई सालों से ये बातें बजट आने से पहले शुरू हो जाती हैं। थ्रेट परसेप्शन जो है उसको बहुत ज्यादा एक प्रोजेक्ट किया जाता है और बताया जाता है कि यार ये तो बड़ा मसला हो सकता है और इस मसले का हल हम ही है, लिहाजा फिर थोड़ा सा हाथ हौला रखें डिफेंस बजट सर इस जरा। मसले का हल तो नहीं, लेकिन इस मसले की वजह जरूर ये लोग हैं। लेकिन सर कश्मीर के ऊपर जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की जा रही है, भारत के पास जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के, वहां पे मॉल्स बन रही हैं और डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने शुरू किए हैं, तो आइंदा तो लगता है कि जो मुकाबला होगा या जो बहस होगी कश्मीर पे, वो इसी चीज को लेकर होगी। अगर वो इतना डेवलप कर देंगे अपने साइड के कश्मीर को, और हमारी तरफ का कश्मीर सबको मालूम है वहां क्या हालत है, मोबाइल सर्विसेज तक ठीक नहीं चलती, रोड्स ठीक नहीं बनी हुई, तो ये कैसे मुकाबला करेंगे? और आपको नहीं लगता कि इस तरह का कुछ हो नहीं सकता, मतलब कश्मीर ये ले नहीं सकते इंडिया से? और तो बेहतर यही है कि जो हिस्सा इनके पास है उसको थोड़ा उसको डेवलप करें और थोड़ा दिखाएं कि हाँ जी हम भी जो है इस जगह को बना रहे, बजाय इसके कि उनका जो है वो बहुत अच्छा बन जाए और यहाँ वाले लोग कहें कि जिससे तो बेटर था कि हम वहीं पे, मतलब उनके साथ होते तो यहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट हो जाती। जी जी बिल्कुल, आप देखिए ना कि वहां पे बेपनाह इन्वेस्टमेंट की जा रही है, और अब तो गल्फ कंट्रीज ने भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, वहां पे शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं। और उसके बरक्स अगर आप जो हमारे वाला कश्मीर है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर जो है, उसमें आप जाके देखें तो हम तो बहुत पीछे हैं, और यहाँ पे अभी प्रॉपर रोड्स नहीं बन सकी यहाँ पे। आज भी आपने अगर फर्ज करें जाना है इस्लामाबाद से, आपने मुजफ्फराबाद जाना है, तो वो कोई इतनी अच्छी रोड नहीं है, वो दो रोड्स जाती हैं और वो दोनों की हालत अच्छी नहीं है। और वहां पे तो अब वो 5-स्टार होटल्स बना रहे हैं और इतना कुछ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे, और फॉरेन कंट्रीज को वो ल्योर कर रहे हैं कि आपको हम ये इंसेंटिव्स दे रहे हैं और आप यहाँ आए और आके इन्वेस्ट करें। तो
अब तो यकीन करें कि लगता है कि कल को यहाँ की कश्मीर के जो लोग हैं वो हसरत से उन कश्मीरियों को देखेंगे जो वहां पे हैं, क्योंकि अगर लेट से कोई रेजिस्टेंस है भी तो वो चार पांच अजला है जहां तक है कश्मीर में, और उसको बहुत हद तक उन्होंने काबू कर लिया है, और अब वो सारा फोकस उनका है कि डेवलप किया जाए इसको, और जितनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उतना ज्यादा फिर इस बात का इम्कान बढ़ता चला जाता है कि रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। रेजिस्टेंस वहां पे होती है जहां पे के इकोनॉमिक इश्यूज ज्यादा होते हैं, वो उनको आप खत्म कर दें आहिस्ता आहिस्ता वो, तो फिर वो उस तरह वो रेजिस्टेंस भी नहीं रहती। तो इंडिया बड़ा फोकस कर रहा है इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो ना तो इनसे इकोनॉमी काबू में आ रही है, ना ही सिक्योरिटी काबू में आ रही है। टीटीपी के भी हमने देखा किस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं, और कहा तो यही जा रहा है कि जो ऑपरेशंस शुरू कर दिए इन्होंने, लेकिन आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है उसमें और पीटीआई में जो डायलॉग चल रहे हैं क्या वो कोई नतीजा निकलेगा उसका, और ये टीटीपी की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? पूरी टाइम जब ही आए थे डीजीआईएसपीआर तो इन्होंने सिर्फ भारत का जिक्र किया, इन्होंने अफगानिस्तान बॉर्डर का कोई खास जिक्र नहीं किया, उसकी क्या वजह है? क्या वो इस्लामिक कंट्री होने की वजह से इस किस्म का जो हमारे यहाँ चूरन बेचा जाता है कि जी वो हमारे भाई हैं क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, चाहे वो जितना मर्जी मार लगा रहे हो, लेकिन ये कि उनकी तरफ जरा हाथ वाला ही रखा जाता है अफगानिस्तान की तरफ। असल में जो हमारी अफगान पॉलिसी है ना वो इस वक्त शदीद कंफ्यूजन का शिकार है। इनको समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने तालिबान के साथ कैसे डील करना है, टीटीपी के हवाले से इनका क्या स्टांस होना चाहिए, इनको समझ ही नहीं आ रही अभी तक, ये अभी तक कंफ्यूज्ड है। और ना सिर्फ ये अफगान पॉलिसी के हवाले से, जो हमारी इवन इंडिया पॉलिसी है, हमारी जो चाइना पॉलिसी है, हमारी जो अमेरिका के हवाले से पॉलिसी है, मतलब पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका अभी एक अजीब सा एक एक मलगूबा बन गया है, और उसमें से अब सिरा कहाँ से पकड़ना है और किस मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं इनको यही नहीं समझ आ रही अभी तक, और हर कोई भांत भांत की बोलियां बोल रहा है। तो अब ये इनके लिए बहुत बड़ा एक दर्द सर बन चुके हैं ये, जो खास तौर पे जो टीटीपी है। अभी आप देखें ना कि पिछले कुछ अरसे में कितनी वारदातें हुई हैं दहशतगर्दी की, मतलब आप ये देखें कि 100 से ज्यादा हमारे पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद हुए इधर पिशावर में, और इन्होंने कहा था जी अब ये एक एपीसी बुलाएंगे और ये डिस्कस करेंगे, और वो आज तक वो मसला हल नहीं, वो नहीं बुलाई जा सकी आज तक। तो इनको पता ही नहीं, इनको ये नहीं, अभी तक तो ये तय नहीं कर सके जी कि इनको जो जंगजू कहना है, इनको दहशतगर्द कहना है, इनको अस्क्रियत पसंद कहना है, इनको कहना क्या है, ये है क्या? इमरान खान साहब उस शख्स को जो इंटरनेशनल टेररिस्ट था उसामा बिन लादन, उसको वो शहीद कह रहे थे। बिल्कुल। तो ये एक अजीब किस्म का कंफ्यूजन है, और यकीन कीजिए इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हम इंटरनेशनली मुकम्मल तौर पे आइसोलेट हो चुके हैं। कोई मुल्क हमारे ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, ना अमेरिका, ना चीन, ना भारत, ना ईरान, ना अफगानिस्तान, हर मुल्क जो है वो हमें शक की नजर से देख रहा है। हमारी इकोनॉमी बिखर चुकी है, हमारे मुल्क के अंदर जो एक नेशनल इंटेग्रेशन थी वो मुकम्मल तौर पे उसका जनाजा निकल चुका है, सॉरी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यानी इवन इदारों के अंदर तकसीम हो चुकी है। आप जुडिशरी में चले जाएं, आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखें, आप पीडीएम में देख लें, आम सोसाइटी में देख लें, घरों में देख लें, फैमिलीज तकसीम हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो यानी ये हालात इस वक्त हमारे मुल्क के बन चुके हैं कि आपको किसी भी शोबे में आपको नहीं लगता कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं बल्कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमारे तालीमी इदारे जो हैं उनमें अगर आप देखें तो वहां पे अजीब किस्म का सिलसिला है कि
टीचर्स क्लासरूम्स में घबराते हैं लेक्चर देते हुए, यार कोई ऐसी बात ना मैं कर दूं कि वो स्टूडेंट कोई मेरी वीडियो बना ले और मेरे ऊपर कोई इल्जाम लग जाए। ये हाल हो चुका है मदरसों में, क्या हो रहा है अभी देख लें, वो क्या हुआ एक बच्चे के साथ। और बिल्कुल सर, ये चीज तो बढ़ती जा रही है सर, ये मदरसों में जो हरकतें हो रही हैं बच्चों के साथ, वो चीज तो रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है, और उसके बाद कोई किसी किस्म का एक्शन भी नहीं होता, लोग डर जाते हैं बात करते हुए। एक्शन नहीं होता, यही लोग हैं, यही मौलाना हजरात, किसी बेचारे पे कोई एक अनपढ़ आदमी है, उसने कोई कागज कहीं पे उसको पता भी नहीं क्या लिखा हुआ है, वो उसके हाथ से गिर गया तो उसको पकड़ के उस पर वो इल्जाम लगा देते हैं और कि जी इसने तो तौहीन मजहब की है। और जब इस तरह बच्चों का रेप होता है या कोई अपनी बेटी के साथ ज्यादती करता है, अभी आपने अभी चल रही है वो भी न्यूज चल रही है, वो बंदा एक पकड़ा गया, तो इस पे खामोश हो जाते हैं बिल्कुल, इस पे इनको कोई तकलीफ नहीं होती, वो ठीक है। लेकिन कोई बेचारा मसीही कोई सफाई करने वाला उसके ऊपर इल्जाम लगा देंगे, कोई माजूर ज़हनी तौर पे माजूर बच्ची वो रिमशा मसीह उस पर इल्जाम लगा देंगे, भट्टे में काम करने वाली औरत है उस पर इल्जाम लगा देंगे, जिंदा जला देंगे, बस्तियां जला देंगे। सर वो तो हमने अपने माइनॉरिटीज का भी बहुत बुरा हाल कर रखा है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो सर, वहां पे ये मियां मिट्ठू जो है सिंध में, ये हर साल 1000 से ज्यादा बच्चियां अगवा करके ले जाता है, उनके मजहब जबरदस्ती चेंज करवा के शादियां करवा देता है, कोई आवाज नहीं उठती, सबको मालूम है लेकिन सब चुप रहते हैं, सब चुप रहते हैं। यानी आप बात करते हैं जी कि जी माइनॉरिटीज के साथ बर्मा में क्या हो रहा है और फिलिस्तीन में क्या हो रहा है और इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन आप जब अपने मुल्क की बात आती है तो आप खामोश हो जाते हैं बिल्कुल, आप वो सुनना ही नहीं चाहते कि सिंध में हिंदू लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, आप सुनना ही नहीं चाहते कि जो हजारा कम्युनिटी है बलूचिस्तान की उसके साथ क्या हो रहा है, जो यहाँ पे हमारे मसीही बहन भाई हैं उनके साथ क्या सलूक अख्तियार किया जा रहा है, और मतलब हर एक के साथ जाके और शरारत करना, शरारत। अब वो लाहौर में एक बस्ती है योहन्नाबाद, क्रिश्चियंस रहते हैं वहां, अब वहां जाके तो स्ट्रीट्स के नाम लिख दिए जी, अबू बकर स्ट्रीट, उमर स्ट्रीट, उस्मान स्ट्रीट, अली स्ट्रीट, खालिद बिन वलीद स्ट्रीट, ये इस तरह की है जी, और सिर्फ एक मतलब दूसरों को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। वो एक MS लाल साहब थे, मेंबर थे FBR में, तो वो कहते हैं, वो हिंदू थे, वो सखर के रहने वाले, तो वो बताते थे कि वो जब ये बड़ी ईद होती थी तो सखर में उनका जो घर था, तो वो अब आपने अगर गाय को ज़िबा करना है तो आप एक साइड पे ले जाएं उसको, वो कहते हैं हमारे घर के सामने ला के उसको ज़िबा करते थे, घर के सामने ला के सिर्फ चढ़ाने के लिए, हाँ परेशान करने के लिए और चढ़ाने के लिए, तंग